जैसे ही मैया यशोदा ने ये सुना कि मेरा बेटा काली देह में कूद गया है तो धरती से मुंह को पटक दिया है और रोने लगी है, कहने लगी ओरे हत्यारे दामा तूने ये क्या किया, ये आंख किस काम की जिस आंख के तारे रहे, ये राज्य बेकार है जो राज्य के दुलार रहे। मैया यशोदा रो रही है, बाबा नंद ने सुना कि मेरा श्याम काली देह के अंदर गया है तो बाबा नंद ही रोने लगे हैं, और जब वृंदावन के लोगों ने सुना तो उनका बुरा हाल हो गया। ऐसा ही नहीं लोगों, सभी लोग ये सुधा को समझाते हैं कि मैया रो, बलराम कहने लगे मैया जा कन्हैया में 5 दिन की उम्र में, और जब पूतना जैसी राक्षसी को मार दिया तो हमारे श्याम का कालिया नाग कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। यशोदा सभी ग्वालों को, सभी वृंदावन के लोगों को लेकर के काली देह पे आई है, और काली देह पे माता मैया यशोदा ने मूर को पटक दिया, और इधर कन्हैया काली देह के अंदर पहुंचे तो का देखे कि कालिया नाग सो रहा है, और कालिया नाग की 5 नागिनियां जाग गई।
एक नागनिया ने देखो छोटो समझा तो लगवाया जी काली धर में कैसे आ गया। ओरी बहना देखिए किन को बच्चा खड़ो देखो सुन चलाए भगवान सीधे पहुंचे तो एक नागिनिया ने पूछा क्या नाम है तुम्हारा। मेरा नाम है कृष्ण। बड़ी किस्मत वाली क्यों किस्मत के धनी हो इस समय हमारा पति कालिया नाग सो रहा है। ओ लला अगर हमारा पति जाग जाता तो एक एक पुरस्कार में तुम्हारी छुट्टी हो जाता। तुम्हारी मैया रोते रोते मर जाती। अरे हम चिंता है हमारी माँ रो रो के क्यों मर जाएगी नागनिया। हमारी गेंद दे दे हम अपनी गेंद लेके चले जाएंगे। मानोगे ना नहीं गेंद लेके तो जगाए ले अपने पति को जगाए। अब जी पांचों नागनिया जगा लगा जग जाओ संतना छाती ताने चलवा कालिया नहीं लग रहा। तो भगवान बड़े मीठे सुर में अरे तू काहे न नाग जगा बेरे मोई पल पल है जगह पाए। तो आगे